जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, हम दर्शन हमारे जो सभी कंप्लीट हुए हैं और यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है बहुत। जय माता दी। ये देखिए, जय माता दी जी। देखिए, स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे और थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है चलने में। ये हमारे साथ एक भैया हैं जो हेल्प कर रहे हैं थोड़ा, आंटी जी की। ये गिर चुकी हैं एक बार, तो थोड़ा संभाल के चलें स्नोफॉल के टाइम पे। आपकी शूज़ की ग्रिप अच्छी हो और नंगे पैर ना चलें, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, वहाँ एक अंकल जी अभी जस्ट गिरे हैं, तो ये गलतियाँ ना करें, थोड़ा संभाल के चलें। अमृतसर और यहाँ का व्यू थोड़ा अच्छा है। यहाँ पे बारिश हुई है, ये देखिए। अब हम जा रहे हैं पठानकोट। पठानकोट यहाँ से है 70 किलोमीटर, अराउंड 1.5 आवर्स का डिस्टेंस है ये। तो अब तक तो पता लग गया होगा कहाँ जा रहे हैं हम। हे, हेलो फैमिली। अब हैं हम लखनपुर बॉर्डर, जो जम्मू यहाँ से स्टार्ट होता है, इस वाली एग्जैक्ट जगह से जम्मू स्टार्ट होता है। ये है लखनपुर बॉर्डर और यहाँ अगर कोई आता होगा तो उसको पता होगा ये फेमस है अपनी पकौड़ी वगैरह के लिए। यहाँ हर तरीके की पकौड़ी मिलती है, पनीर की, गोभी की, मिर्च की, हर तरीके की ये पकौड़े मिलते हैं यहाँ पे। मैं दिखाता हूँ जिस जगह पे हम आए हैं वो फेमस है पनीर पकौड़े के लिए। ये है आपका रिंकू पनीर पकौड़ा शॉप और इनके पनीर पकौड़े फेमस हैं थोड़े। ये देखिए, ये हमारे साथ के खड़े हुए हैं। ये देखिए, ये है, ये पूरी जगह है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि यहाँ से प्रीपेड सिम्स नहीं स्टार्ट होती हैं। अगर आप लखनपुर बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो आपकी BSNL के अलावा कोई भी एयरटेल, जियो, वोडाफोन नहीं चलेगी प्रीपेड। हाँ, मतलब अगर आपके पास पोस्टपेड की सिम है तो वो सारी चलेंगी यहाँ पे। हाँ, ये देखिए, ये सारी शॉप्स हैं यहाँ पे, सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। पर वो पनीर पकौड़ा मेरा खुद का फेवरेट है क्योंकि मैं 3-4 बार ट्राई कर चुका हूँ। तो यप, आप अगर आएँ तो रिंकू पनीर पकौड़ा पे आके टेस्ट कर सकते हैं। जब तक के लिए ओके बाय। गुड मॉर्निंग गाइस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैक। ये देखिए, स्नोफॉल हुई है माता जी के यहाँ पे ऊपर, और बाकी ऊपर का दिखाते हैं हम जैसा भी होता है। जय माता दी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, हम हैं अभी कटरा में और रात भर यहाँ बारिश हुई है और ऊपर आप देख सकते हैं स्नोफॉल भी हुआ है ऊपर, और हम जा रहे हैं यात्रा पर्ची के लिए। सुबह के 6 बजे हैं अभी, मतलब 6:30 एक्चुअली। तो ये देखिए, 7 के जा रहे हैं आगे। तो हम जाते हैं यात्रा पर्ची के लिए यहाँ से, और यात्रा पर्ची के बाद ही आपको अलाउड किया जाता है ऊपर जाने के लिए, क्योंकि वो चेक होती है पर्चियाँ वगैरह, जो आपको स्लिप मिलती है यात्रा स्लिप वो ऊपर चेक होती है, तो मैंडेटरी है वो करवाना। तो अब आगे जाके देखते हैं हम क्या होता है, कैसे होता है। ये हम जा रहे हैं यात्रा पर्ची के लिए जो ऑफिस है वहाँ पे। देखिए, यहाँ पे ये ऑफिस है। थोड़ा क्राउड अभी कम है जिसकी वजह से अभी बहुत सब खाली खाली लग रहा है। ये देखिए, ये आईडी कार्ड बनता है यहाँ से, जो इंडिविजुअली सबको अलग अलग अलॉट होता है, और इसके लिए आपको बायोमेट्रिक करवाना होता है यहाँ पे। अब हम चल दिए, हमारा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो अब हम अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। अब हम आए हैं यहाँ टाराकोटा। ये हमारा नया वाला रास्ता है, नया रास्ता है। नए रास्ते पे देख सकते हो आप, ये फोटो शूट की जगह है, सारी जगह खुल गई हैं। जैसे कोई रेस्ट करना हो, फोटो खिंचवाना हो, थक गया हो, अपना फोटो खिंचवा ले। ये लाइव चल रहा है यहाँ पे, और ये लंगर है। ये नए वाले रास्ते पे मिलेगा आपको सारा, नए वाले रास्ते पे। और देख लो, नए वाले रास्ते पे आपको कितना खाली मिल रहा, सिर्फ गाड़ियाँ चलती हैं गाड़ियाँ। ये देख लो, एक चेक पॉइंट है, पूरा खाली है रास्ता, मतलब
पुराने वाले से नए वाले में काफ़ी अंतर है, काफ़ी। जब आप आओगे ना, वीडियो में नहीं पता लगेगा आपको, जब आप आओगे यहाँ पर हकीकत में जब पता लगेगा कितना अंतर है नए वाले रास्ते में। ये देखो रास्ता, न्यू रास्ता है, ये न्यू रास्ता है। देखो ये देखो, पूरा खाली है। ये देखो धूप आ गई, हमारे टाइम पे धूप। आज की बारिश बताई थी, लेकिन देख लो भाई चमत्कार, धूप आ गई, धूप देख लो भाई। ये हमारे एक गुरुदेव आगे जाते हुए, एक गुरुदेव पीछे आते हुए हमारे। जय माता दी। ये पुलिस चेक पोस्ट है, जगह जगह पानी पीने की सुविधा है। देख लो, आप नीचे से पानी की बोतल नहीं भी लोगे ना। ये देख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ, नॉर्मल ठंडा नॉर्मल। ये देख लो, ये अभी बैग चेक हो रहे हैं यहाँ पे, कंपलसरी है। देख लो भाई, पुराना वाला रास्ता इधर से है, इधर से हम यहाँ से आए चढ़ के, ये वाला रास्ते से दिख रहा है आपको, 5 किलोमीटर रह गया बस, यहाँ चढ़ के आए हम, पूरा खाली है। और ये पुराना वाला, ये है पुराना वाला, भीड़ देख लो कितनी है इसमें। देख लो भाई, ये चेक पोस्ट, एक भैया हमारे आगे खो चुके हैं, टाइगर मंच खाली है तो रुक ही नहीं रहे, आगे पहुंच गए आगे, और हम रह गए पीछे। ठंड में कैसे बैठे हैं, ठंड में बैठे, देख लो ठंड में बैठे हैं, देख लो ये बैठे हैं 4-5 जुगाड़ कर गए। ये देख लो एक तो मुंह फाड़ रहा, देख रहे हो, हाँ जा रहे हैं छेड़ रहे हैं। हेलो हेलो, देख लो माता जी का, वो बैठी हमारी माता जी, देखो जूम लेता हूँ, देखो देखो भाई, देखी जब भी आओ तो देख के आना, जगह जगह ना यहाँ पे फ्रॉड भी हो रहे हैं। यहाँ पे आपको फैमिली मिलेगी, ये कहेगी कि मेरा पर्स गिर गया है, मेरी कुछ हेल्प कर दीजिए, मेरी बीवी अकेली है, हम घर नहीं जा सकते, आपको नीचे जाके फ़ोन पे कर दूंगा। हमने अभी एक को करे थे 800-700 रुपये करे थे, ठीक है। उसके बाद एक और आगे कपल मिला दो, उसने भी सेम बात ये बोल ली कि हमारा पर्स गायब हो गया है, हमारी प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। तो ये फ्रॉड चल रहे हैं यहाँ पे, पता है आपको, तो जब भी आओ ना तो देख के आना यहाँ पे। माता दी गाइस, ये जो हमारा पार्वती भवन है, ये वो है जो 2023 लास्ट में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने इनॉग्रेशन किया था इसका। एक ये भवन है, एक भवन और है जो पीछे है। तो ये अभी जो अभी ये रेसिडेंशियल भवन है, यहाँ पे आप रूम्स वगैरह देख सकते हैं, और लॉकर एरिया भी यहीं पे है, वॉशरूम टॉयलेट्स वगैरह की सबके लिए फैसिलिटी यहाँ पे है। और ये देख सकते हैं आप स्नोफॉल का, और मौसम बहुत प्यारा है यहाँ पे। जय माता दी। तो आगे हम अपडेट देते हैं कैसा क्या है। हम 3 घंटे में ऊपर आ गए हैं, हम सारे लड़के थे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा नहीं हमें, करेक्ट 3 घंटे में हम ऊपर आ गए हैं। जय माता दी, जय माता दी गाइस। ये यहाँ पे भोजनालय है, ये डॉर्मेट्री यहाँ पे है, एम्बुलेंस फैसिलिटी भी यहाँ पे है, एटीएम की फैसिलिटी भी ऊपर है। एटीएम की तो रास्तों में भी बहुत सारी फैसिलिटी है, आपको पैसे की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डोमिनोज, बीकानेर, मैकडोनल्ड्स यहाँ पे सब है। तो बाकी अब हम फ्रेशअप होने जाते हैं। ये ऊपर के लिए टिकट काउंटर मिलता है भैरव जी के लिए जाने के लिए, जो केबल कैब का। भीड़ नहीं है तो इसकी वजह से बहुत इजीली मिल जाएगी सारी चीज़ें। और अभी ये स्नो का हटाया जा रहा है काम, यहाँ साफ करे जा रहे हैं रास्ते। जय माता दी, जय माता दी। ये देखिए, ये हम माता जी के भवन के सामने हैं, और ये पूरा स्नो में कवर है अभी, और भीड़ भी नहीं है जैसा आप देखिए, पूरा खाली है भवन। तो अगर आप चाहें तो आ सकते हैं फेब स्टार्टिंग में, क्योंकि अभी ना क्राउड है ना कुछ है, और बहुत अच्छे से दर्शन हो रहे हैं सबके। जय माता दी, जय माता दी। देखिए जी, हम दर्शन हमारे जैसे भी कंप्लीट हुए हैं, और यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है बहुत। जय माता दी। ये देखिए, देखिए स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे, और थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है चलने में। ये हमारे साथ एक भैया हैं जो हेल्प कर रहे हैं, थोड़ा आंटी जी की, ये गिर चुकी हैं एक बार, तो थोड़ा संभाल के चलें स्नोफॉल के टाइम पे। आपकी शूज़ की ग्रिप अच्छी हो,
और नंगे पैर ना चलें, और थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए वहाँ एक अंकल जी अभी जस्ट गिरे हैं, तो ये गलतियाँ ना करें, थोड़ा संभल के चलें। स्पेशली ये जो ओल्ड एज में लोग हैं उनको चोट लग सकती है बहुत। स्नोफॉल बहुत 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 स्नोफॉल है आज यहाँ पे। ये कंटिन्यूस हटा भी रहे हैं साथ साथ, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है। जय माता दी। हेलो गाइस, अभी जस्ट हम केबल कैब से ऊपर आए हैं और ये है भैरव जी से ऊपर का नज़ारा जो आप देख सकते हैं। नीचे के कंपैरिजन में ऊपर बहुत ज़्यादा स्नो है। और ये देखिए, ये भवन है नीचे। ये जो आप अगर मेरी उंगली देख रहे हैं तो वो नीचे भवन का एरिया है। और अभी सब सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ सारा ये पहाड़। जय माता दी दोस्तों। ये देखिए गाइस मौसम कैसा हो रहा है, बर्फ। ये देखिए ऊपर से आए हम बिल्कुल, और नीचे वेदर देख लो, करिश्मा देख लो वेदर का। ये देखो ये देख लो भाई, मौजी बांधी भाई, देख रहे हो भाई। जय माता दी। अभी हम आए हैं अर्धकुंवारी, जो हम उतरते टाइम ये मिड में पड़ता है। तो अब हम ये पुराने वाले रास्ते पे हैं, क्योंकि नए वाले रास्ते से पार्किंग की तरफ नहीं जाती है। ये गर्भजून गुफा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके लिए डॉर्मेट्रीज वगैरह मिल जाएंगे, जिसकी ऑनलाइन भी होती हैं चार्जेस, और आप यहाँ के भी कर सकते हैं। 150 पर हेड चार्जेस होता है यहाँ पे डॉर्मेट्री, जो शेयर डॉर्मेट्रीज हैं। और बाकी सब डिटेल्स आपको श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे सब मिल जाएगा। ये यहाँ पे मैकडोनल्ड्स है, बीकानेर वाला है, खाने का सब है, कैफ़े कॉफ़ी डिटेल भी है यहाँ पे। और यहाँ मतलब खाने के लिए सबसे अच्छा इस रूट पे इसी जगह है अर्धकुंवारी में। तो देखिए जय माता दी। और अब हम यहाँ उतर चुके हैं। ये जस्ट अभी आरती कंप्लीट हुई है, और ये है मेन एंट्रेंस जहाँ से एंट्री होती है। ये पुराने वाला रास्ता है जहाँ से मतलब जो सबसे पुराना वाला रास्ता है, नया रास्ता वो है उस तरफ, उस वाले पहाड़ पे। अब ये देखिए, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।